विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आपल्या मराठी विषयातील पृष्ठ क्रमांक 10 वर दिलेला लेखक वी.स. खांडेकर लिखित दादू हा पाठ अभ्यासू। मी इथे शिकायला आलो होतो, दोन खोल्यांचे घर मिळाले होते आणि मालकातर्फेच दादू नावाचा अनुभवी गडीही लाभणार होता। दादू ही व्यक्ती वरवर पाहिली तर जरा विचित्र दिसत होती, एक खांदा विचित्र रीतीने उडवत चालण्याची त्याची लकब होती। लेखक कहते हैं कि मी इथे शिकायला आलो होतो, इथे से मुराद मुंबई में। लेखक कहते हैं कि मैं यहाँ पर यानी मुंबई में सीखने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए आया था। मुझे रहने के लिए दोन खोल्यांचे यानी दो कमरों का मकान भी मिल गया था और मालका तरफे यानी मालक के जानिब से दादू नाम का एक अनुभवी यानी तजुर्बे का गड़ी ही लाभनार होता। गड़ी यानी नौकर और लाभनार होता यानी मिलने वाला था कि मालक के जानिब से ही मुझे दादू नाम का एक तजुर्बे का नौकर भी मिलने वाला था। दादू ये जो व्यक्ति यानी जो शख्स था ये बड़ा विचित्र यानी बड़ा अजीब दिखाई देता था। उसे एक खांदा विचित्र रीति ने बड़े अजीब ढंग से उचकाते हुए चलने की आदत थी। वाहरलेली दाढ़ी खाजवत तो माझ्याशी बोलू लागला, तेव्हा माझ्या मनात आले या म्हाताऱ्याला आपण घडी म्हणून ठेवणे महामूर्खपणाचे होईल। लेखक कहते हैं कि बड़ी हुई दाढ़ी खुजाते हुए जब वो मुझसे बात करने लगा तब मेरे मना यानी दिल में ख्याल आया कि या म्हाताऱ्याला कि इस बूढ़े को नौकर म्हणून ठेवणे महामूर्खपणाचे होईल। कि बड़ी हुई दाढ़ी खुजाते हुए जब वो मुझसे बात करने लगा तब मेरे दिल में यह ख्याल आया कि इस बूढ़े को नौकर के तौर पे रखना अव्वल दर्जे की बेवकूफी होगी। ही पीड़ा चुकवायची एक नवीन युक्ति मला सुचली। दादूला पूर्वीचा पगार फक्त 3 रुपये होता, आता तो 4 किंवा 5 रुपये मागेल आणि तसे मागितले की तुझ्यासारखा लबाड मनुष्य मला नको असे आपल्याला सहजच म्हणता येईल। लेखक कहते हैं कि दादू नाम का ये जो शख्स था ये अब जो मेरे लिए मुसीबत बन चुकी थी, मेरे लिए वेदना बन चुकी थी, दर्द बन चुका था, पीड़ा बन चुकी थी। तो लेखक कहते हैं कि अगर मुझे अभी पीड़ा चुकवायची असेल, पीड़ा चुकवणे वा प्रचारे कि इस बला को टालना है, पीड़ा चुकवणे बला टालने, अगर इस मुसीबत को टालना है तो उसके लिए मेरे जहन में एक योजना एक युक्ति यानी एक तरकीब आई कि दादू को पहले 3 रुपये पगार मिलता था, अब मैं उससे पूछूंगा, अगर उसने कहा कि मुझे 4 रुपये या 5 रुपये मिलता था तब मैं उसे कहूंगा कि तुझा सरका लबार यानी तेरे जैसा झूठा मक्कार शख्स मुझे नहीं चाहिए, ऐसा मैं उसे आसानी से कहकर इस मुसीबत को टाल दूंगा। आता असा विचार करून मी दादूला म्हटले, मी सांगेन ते काम करायला लागेल तुला। ऐसा सोचकर मैंने दादू से कहा कि मैं जो कहूंगा वो काम तुझे करना होगा। त्याने मोठ्या आनंदाने मान डोलवली, उसने बड़ी खुशी से अपनी गर्दन को हिलाया। मान डोलवणे यानी इकरार करना, होकार देने। पगार काय घेणार तू, मी प्रश्न केला। लेखक ने सवाल किया कि तनखा क्या लेगा तू। त्याने हसत हसत उत्तर दिले, पूर्वी मिळत होता तेवढाच द्या। उसने हसते हसते जवाब दिया, साहब पहले जितना मिलता था उतना ही दीजिए। अरे पण तेवढा म्हणजे किती, आता याची लबाडी करणार, या कल्पनेने मी हसत हसत विचारले। अरे पहले यानी कितना, अब इसका झूठ इसकी मक्कारी पकड़े जाएंगे, ये सोचकर मैंने हंसते हंसते उससे पूछा। 3 रुपये, दादू ने उत्तर दिले। साहब 3 रुपये, ऐसा दादू ने जवाब दिया। मी चकित झालो, या अडाणी गळ्यातला प्रामाणिकपणा दिसतात माझ्या मनात एक उज्ज्वल छटा चमकून गेली। चकित होणे, मैं हैरान हो गया, मला आश्चर्य वाटले, मैं हैरान हो गया, मुझे हैरानी हुई। या अडाणी अनपढ गळ्यातला आणि नौकर का प्रामाणिकपणा आणि इमानदारी, कि इस अडाणी नौकर के अंदर की इमानदारी देख कर मैं हैरान हो गया आणि माझ्या मनात और मेरे दिल में एक उज्ज्वल छटा चमकून गेली। उज्ज्वल छटा यानी रोशन ख्यालों की, नेक ख्यालों की लकीर चमक जाना, और मेरे दिल में जो है नेक ख्यालों की, रोशन ख्यालों की लकीर चमक गई।
मी काहीच बोलत नाही, असे पाहून दादू म्हणाला, 2.5 रुपया सुद्धा राहीन मी साहेब, मैं कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। ये देख कर दादू ने कहा कि 2.75 रुपये देंगे तब भी मैं रहने के लिए तैयार हूँ साहेब। दादूच्या रुक्ष दिसण्याच्या आड एक वेगळे सौंदर्य आहे असा मला भास झाला। लेखक कहते हैं कि दादू बाहरी तौर से, जाहिरी तौर से भले ही रुक्ष, रुक्ष यानी सूखा, बदसूरत, कुरूप दिखाई देता हो, लेकिन उसके अंदर एक अलग तरह का सौंदर्य यानी खूबसूरती छुपी है, इसका मुझे भास हो गया, यानी एहसास हो गया, भास होने जानी होने कि इसका, इस बात का मुझे एहसास हो गया कि दादू के अंदर एक अजीब तरह की, बेहतरीन तरह की खूबसूरती छुपी हुई है। हा भास क्षणिक न होता, और ये जो एहसास मुझे हुआ था ये क्षणिक यानी लम्हे भर के लिए नहीं था। मी सांगेन ते काम करायला हव, असे कामाच्या वेळा कामाला ठेवताना मी दादूला बजावले कि मैं कहूंगा वो काम तुझे करना होगा, ऐसा काम पर रखते वक्त ही मैंने उसे बजावले, बजावले यानी सख्त लहजे में कहना, डांट कर कहना, करड्या स्वरात डटावणे, पण मला त्याला काही सांगण्याचा प्रसंग येत नसे। मी सकाळी उठण्याच्या आधी गवड्याच्या घरून तो दूध घेऊन येई, मी उठून चूळ भरायला लागलो कि दादूचा स्टोव फरफरू लागे। लेखक कहते है कि मुझे उससे दोबारा कुछ कहने की नौबत ही नहीं आई कि मेरे उठने से पहले ही दादू जो है उठ जाया करता था, और गौड़ी, गौड़ी के यहाँ से, गौड़ी यानी भैंसों को पाल कर दूध का कारोबार करने वाला, गाय मशीन ना पालून दूधाचा व्यवसाय करणारा, कि गौड़ी के यहाँ से जो है वो दूध लेकर आता था, आणि माझ्या चूळ भरण्याचा आत, चूळ भरणे म्हणजे तोंडात पाणी घेऊन गुळणी करण्याची क्रिया, मुंह में पाणी लेकर गरारा करणे की क्रिया या अमल, कि मैं जब मतलब गुलनी करता था, गरारा करने से पहले ही उसका स्टोव जो है वो शुरू हो जाता था। स्टोव रॉकेल के ऊपर चलने वाला एक यंत्र, एक खाना बनाने का एक यंत्र, एक साधन।